Hello students and welcome to today's biology class. So in the previous class we have discussed about the drug abuse. In today's class we'll be discussing about the tobacco and the alcohol abuse. ठीक है, तो tobacco generally contains nicotine. Nicotine एक type का alkaloid होता है and generally it is known to carry out the stimulating properties. तो निकोटीन इज अ केमिकल सब्सटेंस विच इज नोन टू कॉज स्टिम्युलेटिंग एक्शन इन द बॉडी. तो ये आपको एनर्जेटिक फील कराएगा, फ्रेश फील करवाएगा एंड इट विल ऑल्सो एक्टिवेट योर नॉर्मल एक्टिविटीज. तो दिस इज द प्लांट फ्रॉम विच द टबैको इज एक्सट्रैक्टेड. द नेम इज निकोटियाना टबैकम और कॉमनली कॉल्ड एज अ टबैको प्लांट. Now, nicotine stimulates adrenal gland to release adrenaline, noradrenaline into the blood circulation, both of which raise the blood pressure and increase the heart rate. तो ये आपके metabolism को बढ़ाने में काम आता है. It actually stimulates the adrenal gland to produce two hormones. One is adrenaline, the other one is noradrenaline. Adrenaline के बारे में तो आप लोग जानते ही हो कि उसको हम लोग 3F hormone बोलते हैं. Fight, fright, flight के time पे वो secrete होता है और वो बॉडी में एनर्जी लेवल बढ़ा देता है. इट रेजेस द ब्लड प्रेशर, इट इंक्रीजेस द हार्ट बीट रेट. तो ओवरऑल आप लोग बोल सकते हो को आपको एक्टिव बना लेगा. इट विल इंक्रीज योर मेटाबॉलिज्म. एंड दिस स्पेसिफिक टबैको कम्स इन डिफरेंट फॉर्मेट्स. ये आपको पाउडरी सब्सटेंस की तरह आ जाएगा या फिर इट विल बी रोल्ड टू फॉर्म सिगार्स एंड सिगरेट्स एंड पाइप्स और समटाइम्स इट इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ च्यूएबल टबैको. च्यूएबल टबैको के फॉर्म में भी आता है. सो डिफरेंट वेज इट इज यूज. Smoking tobacco is associated with increased incidence of cancer, lung, urinary bladder, throat, oral cavity, bronchitis, emphysema, coronary heart diseases, gastric ulcers, etc. तो tobacco smoking बहुत सारे diseases का main cause माना जाता है. Basically cancer और वो लंग कैंसर हो सकता है, माउथ में ओरल कैंसर हो सकता है, थ्रोट में कैंसर हो सकता है, यूरिनरी ब्लैडर भी इन्फेक्टेड होता है कभी कभी, ब्रोंकाइटिस, स्वेलिंग ऑफ योर ब्रोंकस, इवन दैट कैन बी ड्यू टू द स्मोकिंग ऑफ टबैको. एम्फाइसिमा इज अ स्पेसिफिक डिजीज कॉज्ड ड्यू टू स्मोकिंग ऑफ टबैको. व्हेन ए पर्सन इज सफरिंग स्मोकिंग टबैको, तो ये स्मोक जब आपके लंग्स में जाता है उसके म्यूकस के साथ वो कंबाइन हो जाता है टू फॉर्म ए वेरी थिक डार्क लिक्विड कॉल्ड एज द टार. तो ये टार जब जमा होने लगता है एल्वियोली में तो इट मेक्स एल्वियोली वेरी हार्ड. दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज एम्फाइसीमा. कोरोनरी हार्ट डिजीजेस, तो इट ऑल्सो इंक्रीजेस द चांस ऑफ एन हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर. गैस्ट्रिक अल्सर्स आर ऑल्सो कॉज्ड ड्यू टू द टबैको बिकॉज टबैको इज नोन टू इंक्रीज द सिक्रीशन ऑफ द HCl इन द स्टोमक. तो ये टबैको के इफेक्ट्स होते हैं. द नेक्स्ट पॉइंट दैट वी विल बी डिस्कसिंग इज एडोलेसेंस एंड ड्रग एंड एल्कोहल अब्यूज. अब एडोलेसेंस क्या होता है? एडोलेसेंस इज अ टाइम पीरियड. एक्चुअली आप इसको इस तरह से बोल सकते हो कि एडोलेसेंस इज अ टाइम पीरियड व्हेन एन इंडिविजुअल पासेस फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडल्टहुड. जब चाइल्डहुड से एडल्टहुड में कोई इंडिविजुअल क्रॉस करता है, पास करता है, तो उस फेज को बोला जाता है एडोलेसेंस. इट मीन्स बोथ ए पीरियड एंड ए प्रोसेस ड्यूरिंग विच ए चाइल्ड बिकम्स मैच्योर इन टर्म ऑफ हिज और हर एटीट्यूड्स, बिलीव्स for effective participation in the society. तो यहाँ पे हम लोग social terms में इसको discuss कर रहे हैं. तो as a result, adolescence body में तो बहुत सारे changes आते हैं, morphological changes आएंगे, anatomical changes आएंगे, but at the same time हमारे behavioral और social changes भी आते हैं during the adolescent period, where you will find कि you will start to become a part of the society. During the childhood, you are not very much aware around of your environment और अबाउट द सोसाइटी. धीरे धीरे करके आप सोशल होने लगोगे. यू विल बी ए पार्ट ऑफ द एडल्ट सोसाइटी आफ्टर दैट. दिस इज जनरली फ्रॉम 12 टू 18 ईयर्स ऑफ एज. दिस टाइम पीरियड एडोलेसेंट पीरियड कभी कभी फ्लक्चुएट होता है. सी, ऐसा नहीं है कि आपका सिर्फ 12 से 18 साल का एज ग्रुप जो है उसी को हम लोग एडोलेसेंट बोलते हैं. दैट माइट फ्लक्चुएट. बहुत सारे फैक्टर्स उस पर डिपेंड करते हैं. आपका हार्मोनल सिक्रीशन बॉडी का डिपेंड करेगा, आपका बिहेवियर, आपका जेनेटिक्स, बहुत कुछ उसमें डिपेंड करता है. बट जनरली ऑन एन एवरेज हम लोग बोलते हैं 12 से 18 साल तक. तो एडोलेसेंस इज एकॉम्पेनीड विद सेवरल बायोलॉजिकल एंड बिहेवियरल चेंजेस विच आई मेंशन्ड इन द प्रीवियस पॉइंट. कि सिर्फ बिहेवियरल चेंज तो नहीं होता, आपका बायोलॉजिकल चेंजेस भी होता है. आपके बॉडी में मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस होंगे, एनाटोमिकल चेंजेस होंगे, इनफैक्ट बहुत सारे हॉर्मोनल चेंजेस भी आते हैं बॉडी में ड्यूरिंग दिस पीरियड. सो दिस पीरियड इज हाइप्ड विद ऑल दिस काइंड ऑफ एक्टिविटी. क्यूरियोसिटी, नीड फॉर एडवेंचर, एक्साइटमेंट एंड एक्सपेरिमेंटेशन.
constitute common cause of abuse, ठीक है, which motivate youngsters towards drugs and alcohol. तो ड्रग्स और अल्कोहल एब्यूज, उसका एडिक्शन होने का बहुत सारा रीजन होता है, बहुत कॉमन रीजन होता है क्यूरियोसिटी टू नो. पीपल दे स्टार्ट स्मोकिंग और दे स्टार्ट टेकिंग अल्कोहल जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, कि जानने के लिए कैसा टेस्ट करता है, कैसा लगता है, एंड स्लोली स्लोली वो एडिक्शन बन जाता है, कभी कभी फॉर एडवेंचर एंड एक्साइटमेंट. नाउ गेटिंग हाई मतलब गेटिंग वेरी मच इंटॉक्सिकेटेड समटाइम्स गिव्स यू अ फीलिंग ऑफ एडवेंचर, तो उसके चलते भी कुछ करते हैं. सम एक्सपेरिमेंटेशन, एक्सपेरिमेंटेशन मीन्स टू सी व्हाट ड्रग इज और व्हाट अल्कोहल इज, तो एक दो बार वो लोग ट्राई करेंगे, धीरे धीरे करके वो एडिक्टेड हो जाएंगे. सो दीज आर द कॉमन रीजंस व्हाई ए पर्सन बिकम्स एडिक्टेड और व्हाई एन यंगस्टर बिकम्स एडिक्टेड टू दिस काइंड ऑफ ड्रग्स. सो दीज आर सम ऑफ द प्रॉब्लम्स दैट एन यंग इंडिविजुअल एंड यंगस्टर फेसेस. ओबेसिटी, इंक्रीज इन वेट, दैट इज वेरी कॉमनली सीन. एडिक्शंस जो अभी हम लोग बात कर रहे हैं, मे इट बी टबैको, मे इट बी अल्कोहल और मे इट बी ड्रग्स. देन डिफरेंट फिजियोलॉजिकल चेंजेस ऑल्सो कम इन द बॉडी, एज आई वॉज टेलिंग, डेवलपमेंट ऑफ पिम्पल्स, पिम्पल्स होने लगेंगे, रैशेस हो जाते हैं कभी कभी. सो दिस काइंड ऑफ चेंजेस ऑल्सो कम ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एडोलेसेंस. नाउ एडिक्शन एंड डिपेंडेंस, हाउ वी आर डिपेंडेंट और हाउ वी बिकम एडिक्टेड. तो एडिक्शन इज ए फिजियोलॉजिकल अटैचमेंट ऑफ सर्टन effect such as euphoria and temporary feeling of well-being associated with the drugs and alcohol. तो ये drugs और alcohol क्या करते हैं कि आपके physiological system को थोड़ा change करते हैं, उसको थोड़ा cool down करते हैं. They can calm down your mind, they can relax your body. At the same time, they cause effects like euphoria. Euphoria मतलब, as I have previously mentioned, it's a feeling of excitement, it's a feeling of joy. So that kind of sudden excitement, sudden joyful atmosphere you'll feel. And temporary feeling, that is basically, तो ये तो temporary होता है, it's not a permanent feeling. जब तक उस drug का effect रहेगा, you'll feel that way. Once the drug effect is gone, you start to again feel chaotic. तो as a result, धीरे धीरे करके लोग उसको फिर से लेना चालू करते हैं. That is a main reason of addiction, ठीक है? With respect to use of drugs, the tolerance level of receptor present in your body increase and subsequently the receptor respond only to higher doses of drugs, alcohol, leading to greater intake and addiction. Now this is how you start to become dependent on them. Dependent ka matlab hota hai, initially ye chote chote jo chemical substance hote hain, drugs hote hain, wo aapke body mein receptors ke sath bind karte hain and they increase your body metabolism and all. But dheere dheere karke kya hota hai ki aapka body acquainted ho jata hai. The receptor of your cells, they become acquainted with low amount of drugs, then you will not feel those kind of euphoria. So a little bit of drugs is not going to cause you much of excitement or much of feeling of joy and all. So what do? You start to take more and more. So aap usko jyada jyada lene lagte ho, you start taking it higher doses of those drugs, higher doses of that alcohol, then only you feel that way. So jab aapko higher doses diya jaye, tab jaake aapko feel hota hai that sense of euphoria, that sense of hallucination or that sense of calmness. And that is where it becomes an addiction. जब आपको higher doses लेने पड़ते हैं और आप उस पर dependent हो जाते हो, that is addiction. So dependence को कैसे explain करें? Dependence is a tendency of the body to manifest characteristics, unpleasant withdrawal symptoms if regular dose of drugs or alcohol is abruptly discontinued. तो आप उस पर dependent हो जाते हो, आपका body उस chemical substance पे dependent हो जाता है. So if these molecules are getting into your body somehow, ye drugs aapke body mein ja rahe hain kisi tarike se, to aapka body normal feel karega. But when they are suddenly stopped, suddenly if someone is stopping his daily alcohol intake or stopping his daily drugs intake, suddenly body will become reactive. Kyunki body ko lagega ki koi ek molecule, koi ek vital component body mein nahi hai. It will feel the deficiency of this molecule and then it will react. That reaction is called as withdrawal syndrome. Withdrawal syndrome सिर्फ एक character नहीं है, बहुत सारे characters होते हैं. Palpitation होने लगेगा, मतलब sweating होगा. Then you'll start to feel uneasy. Then you'll start to feel anxious. Anxiety बढ़ जाएगा. Depression होने लगेगा. You will become aggressive. आपके muscles में cramp आने लगेंगे. Heartbeat rate बहुत high हो जाएगा. So all these conditions combinedly they are called as withdrawal symptoms. और withdrawal syndrome बोला जाता है. And that occurs when drugs or alcohol is abruptly stopped. Okay. Now withdrawal syndrome is characterized by anxiety, as I was telling you, shakiness. Body will feel continuously shaking, nausea hoga, sweating hoga, heartbeat increase kar jayega, all these conditions come under the
withdrawal syndrome. Now, immediate effects are reckless behavior, vandalization, violence. ये भी उसी के पार्ट होते हैं. As I was telling you, recklessly behave होगा, vandalizing और फिर vandalism, इसका मतलब होता है तोड़ फोड़ करना. गुस्से में आ जाओगे, तोड़ने लगोगे चीजों को, you'll start to break down things or you may harm yourself as well. That is vandalism. Violence, you become very aggressive. So these also are a part of the withdrawal syndrome. Excessive dose of drugs may lead to coma and even death due to respiratory failure, heart failure or cerebral hemorrhage. अगर ज़्यादा overdose हो जाए तो it can cause respiratory failure, heart failure हो सकता है, heart attack आ सकता है या फिर cerebral hemorrhage. Blood vessels on your brain will rupture leading to internal bleeding and that can kill. Okay, so intravenous drugs intake can also cause AIDS and hepatitis B. तो ये AIDS में हमने discuss किया ही था कि ज़्यादा अगर कोई इंट्रावीनस ड्रग्स ले रहा है एंड द सेम सीरिंज इज बीइंग यूज्ड बाय मोर देन 2 to 3 इंडिविजुअल्स देन दैट विल स्प्रेड एड्स थ्रू आउट दोज पीपल. क्रोनिक यूज ऑफ ड्रग्स एंड अल्कोहल डैमेजेस नर्वस सिस्टम एंड कॉज लीवर कायरोसिस. नाउ दिस लीवर कायरोसिस मीन्स इट इज डीजेनरेशन ऑफ लीवर. लीवर धीरे धीरे डिजेनरेट करने लगेगा, वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाएगा एंड स्लोली द इंडिविजुअल विल डाई. सो द लीवर कायरोसिस इज बेसिकली बिकॉज ऑफ अल्कोहल कंजप्शन. ज़्यादा अल्कोहल कंजप्शन होने से लीवर डैमेज होता है. It also affects the nervous system. तो ये drugs और alcohol ज़्यादातर आपके nervous system और liver along with it kidney, heart इन सब vital organs को affect करते हैं. The use of drugs and alcohol during pregnancy is also known to adversely affect the fetus. क्योंकि ये drugs, alcohol directly आपके blood stream में मिल जाते हैं. Now a pregnant lady who is having or bearing a child or bearing a fetus, तो उसमें क्या होता है, उसी के blood से ही molecules transmit होते हैं fetus के बॉडी में फॉर न्यूट्रिशन, फॉर ऑक्सीजन एंड ऑल. तो उसमें अगर हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एल्कोहल या फिर ड्रग्स होता है तो ये सब भी फीटस के बॉडी में चले जा सकते हैं एंड एट एक्सट्रीम कंडीशंस इट माइट लीड टू एबॉर्शन. एबॉर्शन को भी लीड कर सकता है, द फीटस विल डाई. यूज ऑफ एनाबोलिक स्टेरॉइड्स इन फीमेल्स कैन कॉज मस्कुलाइनाइजेशन, इंक्रीज एग्रेसिवनेस, मूड स्विंग्स, डिप्रेशन, एबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल, एक्सेसिव हेयर ग्रोथ ऑन फेस एंड बॉडी, enlargement of clitoris, deepening of voice, etc. तो अगर anabolic drugs, steroids generally here we are referring to drugs, तो anabolic drugs अगर लिया जाए female individuals में तो सारे male characters express होने लगते हैं, जैसे masculinity, development of muscles, aggressive behavior आ जाएगा, mood swings होने लगेंगे, sudden you will be feeling happy, sudden you will start to feel sad, sudden you will start to feel angry, तो mood swings होते हैं, depression आ जाएगा, menstrual cycle fluctuate करने लगेगा, excessive growth of hair on the face and all, deepening of voice. So these all symptoms will be seen in females. Similarly, agar anabolic steroids males mein jyada diya jaye, it can cause acne, increased aggressiveness, mood swings, depression, reduction in size of the testicles, decreased sperm production, potential for kidney and liver dysfunction, breast enlargement, which is also called as gynecomastia, premature baldness, enlargement of prostate gland and etc. तो ये ड्रग्स अगर ज़्यादा क्वांटिटी में बॉडी में जाएं तो इस टाइप के इफेक्ट एक मेल इंडिविजुअल में कर सकते हैं. मूड स्विंग्स एंड ऑल, मूड स्विंग्स हो गया, डिप्रेशन हो गया, ये सब तो फीमेल के इफेक्ट्स जो होते हैं करीब करीब सेम ही है, बट कुछ और भी होते हैं, जैसे डिक्रीज टेस्टिकल्स होगा, रिड्यूस साइज, डिक्रीज स्पर्म प्रोडक्शन होगा, एनलार्जमेंट ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड जिसको प्रोस्टाइटिस बोला जाता है, लीवर डिसफंक्शन हो सकता है, किडनी डिसफंक्शन हो सकता है. सो दिस काइंड ऑफ थिंग्स विल बी सीन इफ देयर इज ओवरडोज ऑफ any of these drugs. Okay, now how will we tackle it? Kaise hum is cheez ko deal karenge, kaise tackle karenge? Prevention and control. So there are certain methods of prevention and control. The measures useful for prevention and control of alcohol and drug abuse among adolescents are, ek ek karke discuss karenge. Pehla wala aapka hai, avoid undue peer pressure. Now peer pressure generally refers to the pressure exerted on an individual because of parents, because of society, because of elders. तो दूसरे लोगों से जो प्रेशर आपके ऊपर आता है दैट इज कॉल्ड एज पीयर प्रेशर. नाउ दिस पीयर प्रेशर कैन बी बिकॉज ऑफ योर सोशल रिक्वायरमेंट्स और मे बी बिकॉज ऑफ योर कैरियर रिक्वायरमेंट्स. पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, तो एक प्रेशर आ जाता है ऑटोमेटिकली. दैट कैन बी अ वेरी इंपॉर्टेंट रीजन फॉर यंगस्टर्स गेटिंग एडिक्टेड टू द एल्कोहल और ड्रग्स. तो अवॉइड करना चाहिए, वी शुड अवॉइड दैट. डू नॉट टेक स्ट्रेस, डू नॉट टेक very much you can say these words into your mind. Just relax and work on your career.
Children should be educated and counseled to bear problems and stress in life. So most of these children, they are not very much acquainted. वो थोड़ा stress होते हैं तो उनका physiological system respond करने लगता है, उसका physical system respond करने लगता है. तो ये education बच्चों को देना चाहिए, उनको counseling करना चाहिए कि अगर कोई problem arise करता है, you have to face it and how to face it. So this kind of education should be given and stress-free life for children should be done. तो बच्चों को एक स्ट्रेस फ्री लाइफ जीने के लिए उनको मोटिवेट करना चाहिए, उनको काउंसिल करना चाहिए. सो दैट इज द सेकेंड पॉइंट बाय विच वी कैन प्रिवेंट दिस. द थर्ड वन, द चाइल्ड शुड सीक द हेल्प ऑफ पेरेंट्स एंड एल्डर्स. कभी भी कोई भी प्रॉब्लम होता है, ये चिल्ड्रन इन लोगों को होता है कि दे हाइड इट फ्रॉम द पेरेंट्स और दे हाइड इट फ्रॉम द एल्डर्स, थिंकिंग कि दे माइट गेट स्कोल्डेड और समथिंग. तो उनको क्या करना चाहिए, कुछ भी हो ओपनली बता देना चाहिए अपने पेरेंट्स को. इफ यू आर फीलिंग प्रेशराइज्ड, टेल द पेरेंट्स आई एम फीलिंग प्रेशराइज्ड, आई एम फीलिंग डीमोटिवेटेड. और इफ यू आर फीलिंग वेरी सैड, टेल द पेरेंट्स आई एम फीलिंग दिस वे. कोई भी फीलिंग हो या फिर कोई भी चीज़ हो और यू आर गेटिंग इनटू समथिंग ट्रबल, सो यू प्लीज कॉन्टेक्ट योर पेरेंट्स, टेल योर पेरेंट्स एंड एल्डर्स, दे विल डिवाइस सम काइंड ऑफ ए सॉल्यूशन. वो कुछ ना कुछ एक सॉल्यूशन बना लेंगे एंड दैट इज हाउ यू कैन अवॉइड द स्ट्रेसफुल कंडीशंस. Besides that, affected individuals should seek medical help of qualified psychologist, psychiatrist, and de-addiction and rehabilitation programs should be attended. अगर किसी reason से, even after taking precautions, अगर किसी reason से कोई individual addicted हो जाता है drugs को या फिर alcohol को, तो उनको किसी psychologist या psychiatrist का मदद लेना चाहिए. They have to take the help. They have to understand कि उनके body में क्या problem आ रहा है, क्यों एडिक्शंस हो रहा है, एडिक्शंस कैसे रोका जाए. तो उनसे सजेशंस लेके मेडिकेशन करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए. ऑल दिस थिंग्स शुड बी डन टू अवॉइड और टू कंट्रोल द एडिक्शन. बिसाइड्स दैट, डी एडिक्शन और रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम्स भी आते हैं जिसमें वो लोग पार्टिसिपेट करके अपना एडिक्शन कम कर सकते हैं. सो दीज आर द डिफरेंट वेज बाय विच वी कैन प्रिवेंट द ड्रग और एल्कोहल और टबैको एब्यूज. So students, this was all about the drugs, alcohol and tobacco abuse and the methods of prevention and control. Thank you.